समाजवादी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पहले चरण के लिए 3 और दूसरे चरण के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं। हालांकि सपा में भी इसके साथ ही सपा में बगावत शुरू हो गई है। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं ने पत्रकार वार्ता में ही जमकर बवाल काटा। सपा ने नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा सीट से कांग्रेस के दिवंगत नेता महेंद्र कर्मा के बेटे छबेंद्र कर्मा को सपा से टिकट दे दिया है। इस चुनाव में वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही अपनी मां और वर्तमान विधायक देवती कर्मा को चुनौती देंगे। इसके साथ ही सपा ने बीजापुर से संतोष सुमन, जगदलपुर से विमलेश दुबे और दंतेवाड़ा से छविंद्र वर्मा को टिकट दिया है। दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होंगे। इसके लिए सपा ने नवीन गुप्ता, योगेंद्र भोई, जीवन सिंह यादव, मुकेश लहारे, अमरनाथ अग्रवाल और शुभेंद्र सिंह यादव को क्रमशः रायपुर पश्चिम और बसना, अकलतरा, पामगढ़, कोरबा और वैशाली नगर से टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि सपा के प्रत्याशियों की लिस्ट यहां पर जारी होने के बाद जो यहां के कार्यकर्ता थे वो नाराज हो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हंगामा खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि टिकट न मिल पाने वाले नेताओं ने यह हंगामा किया और आपको बता दें कि छबिंद्र कर्मा को अपनी मां देवती के सामने ही खड़ा किया गया है। अब दोनों में बराबर की होड़ होगी और साथ ही साथ चूंकि वो कांग्रेस से खड़ी है और इधर ये सपा से उनके बेटे खड़े हुए हैं और ऐसे में अब क्या होगा इस पर देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पर टिकट बंटवारे को लेकर जो आपसी कार्यकर्ता है वो उलझ रहे हैं और लगातार यहां पर भीतर घाव की भी संभावना बनी हुई है। आपको बता दें कि यहां पर सपा के अंदर प्रत्याशियों की सूची में जो नाम है उन्हें लेकर कार्यकर्ताओं में रोष है और अब कार्यकर्ता हंगामा करने लगे हैं और धीरे धीरे अभी भीतरघात खुलकर सबके सामने आ रही है क्योंकि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा के कुछ नेता हंगामा करने लगे। और अधिक जानकारी के साथ पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। पंकज, जैसे कि यहां पर छबिंद्र को उतार दिया गया है मैदान में सपा की तरफ से क्योंकि कहा जा रहा था कि उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलेगा लेकिन नहीं मिला, अब वो सपा से लड़ने वाले हैं और इसके बाद यहां पर साथ ही साथ सपा में भीतरघात भी शुरू हो गया जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। दीपक, मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा से जो सपा से छबिंद कर्मा की टिकट डिसाइड हुई है इससे कांग्रेस को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि जो छबिंद कर्मा है वो कर्मा परिवार की विरासत है और अब से पहले तक वो कांग्रेस की एक मजबूत खंभे की तरीके से दंतेवाड़ा में माने जाते रहे हैं। लेकिन ये माँ और बेटे की जो दरार है ये कांग्रेस को निश्चित तौर पर लंबा नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि और इसका फायदा जो सत्ता की भाजपा पार्टी है उसको मिलेगा। लेकिन बीजेपी में भी इसी टाइप से भगवती सुर अपनाए हुए हैं। बीजेपी की तरफ से भी एक सरपंच संघ की तरफ से 41 सरपंचों के समर्थन से एक राजेश कश्यप नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने नामांकन डाल दिया है। उसी तरीके से सीपीआई में भी यहाँ फूट पड़ी हुई है, सीपीआई से भी एक निर्दलीय फॉर्म गिरा है। तो कुल मिला के जितनी भी पार्टियां हैं उनमें कहीं सभी जगह बगावती सुर अलापे जा रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए पंकज आपको बहुत बहुत शुक्रिया।